जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भारती दीक्षित के निर्देशन में आज वैशाली नगर स्थित बधिर विद्यालय से दिव्यांग रैली निकाली गई। यह रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई नई चौपाटी पर समाप्त हुई, जहां सभी उपस्थित जनों को 26 अप्रैल को मतदान करने और अपने मिलने वाले पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, परिचित सभी को मतदान के लिए प्रेरित करने की शपथ सामाजिक अधिकारिता विभाग के अनिल व्यास ने दिलाई। इस अवसर पर अजमेर दक्षिण प्रभारी दर्शना शर्मा, अजमेर उत्तर स्वीप प्रभारी मीना शर्मा, जिला यूथ आइकन रवि बंजारा, लायंस क्लब के राजेंद्र गांधी, आवा गांधी, वीना अग्रवाल, बधिर विद्यालय के प्राचार्य संत कुमार सिंह, सिविल डिफेंस के अमर सिंह राठौर, पुरुषोत्तम तेजवानी, पेंशनर समाज के पदाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी उपस्थित जनों को लोकतंत्र के पर्व पर मतदान करने की अपील की गई। मंच का संचालन किया गया। इस अवसर पर सागर कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी मतदान करने के संदेश लिखी तख्तियां लेकर नारे लगाए। स्टाफ सदस्यों ने सभी से देश के नाम, लोकतंत्र का पर्व, मतदान करेंगे जरूर करेंगे, इस प्रकार के नारे लगवाए गए। इसके अलावा समस्त अजमेर शहर वासियों से अपील की गई कि सभी लोग 26 अप्रैल 2024 को अपना वोट डालने के लिए अवश्य जाएं। समाज के सभी सीनियर सिटीजन, बच्चों और लोकतंत्र के अंदर अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए टीम टीम के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि ये वक्त नहीं है खोने का, ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है कुछ कर जाने का, ये वक्त है कुछ बन जाने का। संवैधानिक रूप से हमारे राष्ट्र के अंदर 18 वर्ष के नागरिक को मताधिकार का अधिकार दिया गया है। दुर्भाग्य से कल जब टीवी न्यूज देखी तो राजस्थान में मतदान का प्रतिशत सबसे कम रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत आज अजमेर जिला प्रशासन के माध्यम से सतरंगी सप्ताह के तहत दिव्यांग रैली का आयोजन किया गया है। मैं यूथ आइकन रवि कुमार बंजारा अजमेर वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जब दिव्यांग सड़क पर उतर कर आम लोगों को मतदाता के लिए जागरूक कर सकते हैं तो आप लोग भी इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने घर से निकले और 26 अप्रैल 2024 को सर्वप्रथम अपना वोट का प्रयोग करके इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।